स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अंबिकापुर नगर निगम को 1 लाख से 10 लाख वाले शहरों में देश में दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है, जबकि अंबिकापुर देश में स्वच्छता के क्षेत्र में एक मॉडल प्रस्तुत कर चुका है। 2014 से शुरू किए गए यहाँ के काम ने न सिर्फ पूरे देश की निकायों को सिखाया, बल्कि नेपाल सरकार के प्रतिनिधि भी इस शहर में आकर के स्वच्छता के काम सीख करके गए। बावजूद इसके क्या कारण रहे कि अंबिकापुर नगर निगम को पहला स्थान नहीं मिल सका? दरअसल इस रैंकिंग में देश की राजधानी दिल्ली के NDMC एरिया को शामिल कर दिया गया। NDMC वह क्षेत्र है जहां पर इस देश का राष्ट्रपति भवन, लोकसभा समेत तमाम शासकीय कार्यालय संचालित हैं, जिस क्षेत्र में क्राउड नहीं होता, भीड़ नहीं होता, बल्कि VVIPs आते जाते हैं। ऐसी जगह को पहला स्थान मिला, इस कारण से अंबिकापुर दूसरे पायदान पर आ गया। दूसरे पे हैं, पहले पे रहते तो और खुशी होती। अभी तक पहले पे रहते थे, लेकिन देश में दूसरा स्थान भी बहुत गौरव की बात है, तो सबको बधाई। और प्रयास हमको ये करना होगा कि हम प्रथम आए, हर वर्ष हमको प्रथम आना चाहिए। बाबा एवरेस्ट के 250 अंक कट गए, इसलिए प्रथम नहीं आ पाया। ये सही बात है, और मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया था कि ये हमारे ऊपर ना थोपा जाए, क्योंकि सीवरेज के लिए कोई फंड ही नहीं मिला। अंडरग्राउंड सीवरेज के लिए जिस नगर निगम को ना तो केंद्र सरकार ने फंड दिया है, ना कोई दूसरी व्यवस्था की है, ना हमको स्मार्ट सिटी में लिया है, तो आखिर एकाएक हम कैसे कर सकते हैं? पिछले साल जो हम काम कर रहे हैं और जो हमारे पास अधोसंरचना थी, उसी हिसाब से हमने इस साल भी काम किया। तो आप स्वयं कह रहे हैं कि अगर वो 250 अंक नहीं कटते तो हम प्रथम आते। तो अगर अंडरग्राउंड सीवरेज अंक प्राप्त करने का एक पैमाना है, तो उसके लिए फंड्स भी उपलब्ध कराने चाहिए। इसमें शुरुआत में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे सीवरेज ट्रीटमेंट के साथ साथ में FSTP को भी ऐड करने का था, कि जो FSTP रेगुलर कर रहे हैं, उसका संचालन कर रहे हैं, फिकल सल्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं रेगुलर बेस पे, तो उस पे भी नंबर देने का था, वो भी वाटर प्लस में गिना जाएगा। लेकिन अंतिम दौर के समय में फिर FSTP को अलग कर दिया गया। इस बाबत में मैंने अपना भी विरोध जताया सेंट्रल लेवल पे, इवन मैंने सेक्रेटरी लेवल तक भी बात किया था, डिपार्टमेंट से भी सभी ने बहुत कोशिश किया, लेकिन अंत में रिजल्ट में तो FSTP को नहीं लिया गया। देखा जाए तो अगर कोई परीक्षा दे रहा है और परीक्षा लिख लेने के बाद में ये कहा जाए कि नहीं, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो मेरे ख्याल से गलत है। और फिर भी हमें सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे जाके, लोगों का काम करने का तरीका और जो वीडियोस जो दिखाए जाते हैं, उन सभी चीज़ों को हम अपने स्तर पे अपनाएंगे। और निश्चित तौर पे अगले वर्ष हम दूसरे को फर्स्ट प्राइज नहीं लेने देंगे। इस पूरे मामले में स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम ने निकायों को के लिए जो मापदंड तय किए, उसमें लोगों के घरों के सेप्टिक टैंक के ट्रीटमेंट प्लांट या सीवरेज सिस्टम का पैमाना तय किया गया, जबकि सीवरेज सिस्टम अंबिकापुर समेत तमाम देश की निकायों में बना पाना संभव नहीं है। ना आज तक सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए कोई योजना ही केंद्र या राष्ट्र